सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में 31 मई से पहले आप सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों को अपने अपने पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी महत्वपूर्ण काम है उनको कंप्लीट कर लेना है। तो आइए उन महत्वपूर्ण कामों के ऊपर हम लोग एक नज़र डालते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण काम जो है वो आप लोगों को 31 मई से पहले कर लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे मोड़ वाले ऑप्शन से। मोड़ वाले ऑप्शन पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर जो इवेंट वाला ऑप्शन है उसको हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। तो इवेंट वाला ऑप्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे VHSND और CBE का जो गतिविधि होता है उसको हम लोग अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग VHSND वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे जिस दिन टीकाकरण की डेट होती है, जिस दिन टीकाकरण पड़ता है उसका डेट आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट करनी होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपडेट कर लेनी है अगर आपने नहीं किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस कार्यक्रम का जो डेटा है वो अपडेट कर लिया है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा और पार्टिसिपेशन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको उसमें डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट को आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण हुआ है, उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कितने लोग मौजूद थे वो आप लोगों को संख्या डाल देनी है और डाल के सबमिट कर देनी है। यहाँ पे हमने इस कार्य को पूरा कर लिया है। पोषण ट्रैकर ऐप में VHSND का जो इवेंट है उसको अपडेट कर देती है और कोई भी डेट वगैरह गलत हो जाता है तो आप लोग एक सप्ताह के अंदर उसको सुधार कर सकती हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके उसको अपडेट कर सकती हैं। उसके बाद इसी ऑप्शन में आप लोगों को CBE का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दो इवेंट किया जाता है, अन्नप्राशन दिवस और बुधभराई दिवस। तो आप लोगों को दोनों इवेंट को कंप्लीट कर लेना है। जिस डेट को आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्नप्राशन दिवस और बुधभराई दिवस मनाई जाती है वो डेट आप लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर देनी है। इसमें भी आप लोगों को एक सप्ताह का डेट मिल जाता है। अगर कोई भी गलती यहाँ पर हो जाती है तो उसको आप लोग यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का पहला कार्य हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्य की ओर, यानी डेली ट्रैकिंग। डेली ट्रैकिंग में आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका बहनों के आंगनबाड़ी केंद्र पे THR का जो वितरण है वो हो चुका है तो उसको अपडेट जरूर कर लेंगी। और जैसा कि HCM हम लोग बच्चों को रोज़ देते हैं तो HCM भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे THR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं गर्भवती महिला, धात्री महिला और 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चों की कैटेगरी है इनको हम लोग THR देते हैं। तो इनका जो डिटेल्स है हम लोग को यहाँ पर अपडेट कर लेनी है, यानी कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर THR वितरण कर दी गई है तो आप लोगों को यहाँ पर अपडेट कर लेनी है। यहाँ पर THR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिनों की संख्या खुल के आ जाएगी, 7 दिन 15 दिन और 25 दिन, यानी कि 25 दिन के लिए हम लोग लाभार्थियों को THR देते हैं। तो 25 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैकेट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और एक पैकेट का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जितने भी लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट करते जाएंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी ऑप्शन में जो लाभार्थी हैं जिनको हम लोग HCM देते हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग क्लिक करके सबमिट करेंगे। यानी कि ये जो HCM वाला कार्य है वो डेली करना होता है। जब आप बच्चों को हॉट कुक मील खिलाती हैं तो जितने भी बच्चे आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे आते हैं तो उनको HCM का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके सबमिट कर देना होता है। तो यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं HCM का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि कितने दिनों के लिए जो बच्चों का HCM है वो दिया गया है वो आप लोगों को दिनों की संख्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी कि जितने दिन भी बच्चे आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे आते हैं उनको यहाँ पे HCM वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर आपको HCM टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा HCM आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलाती हैं। तो कुक्ड मील पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग जमा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार आप लोग दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण काम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्य की ओर। जो नेक्स्ट कार्य है आप लोगों का यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डैशबोर्ड आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे होम विजिट और वृद्धि निगरानी, ये दो महत्वपूर्ण आप लोगों को काम जरूर कर लेना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो होम विजिट का कार्य है वो 2 पेंडिंग दिखा रहा है तो दोनों को कम्प्लीट करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं 2 लाभार्थी का जो होम विजिट है वो पेंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग विजिट वाले पे क्लिक करेंगे। विजिट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो खुल के आ जाएगी जो कि आप लोग गृह भ्रमण के दौरान जो भी लाभार्थी होंगे उनको आप लोगों को ये सारी जानकारी देनी होती है। किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी होती है वो सभी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो होम विजिट है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है उसको भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वापस आ जाते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन पे। जैसा कि देख सकते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग भी हम लोग का यहाँ पे एक पेंडिंग
दिखा रहा है, तो इस ग्रोथ मॉनिटरिंग को हम लोग को कंप्लीट कर लेनी है। तो हम लोग यहाँ पे पेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये जो बच्चा है इसका भी ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है और इसका जो आयु है वो 0 मंथ की है, यानी कि इसी मंथ में इस बच्चे का जन्म हुआ है और इसका हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग अभी दर्ज नहीं कर पाए हैं, तो इसको हम लोग दर्ज ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी डिटेल्स आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है, जो प्रीवियस रीडिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइट और वेट दोनों डाल लिया है। दोनों डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। ये पूछेगा जमा करने से पहले कृपया जानकारी को अच्छी तरह से देख लें, जो भी आपने जानकारी दर्ज की है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो आप लोग यहाँ पर जमा करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का जो है कि यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये कार्य भी जरूर कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वृद्धि निगरानी है वो 0 हो चुका है और यहाँ पे होम विजिट अभी 1 दिखा रहा है, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बच्चा कम वजन वाला है उसका यहाँ पर संख्या दिखा रहा है कि कितने बच्चे जो हैं वो कम वजन वाले हैं, कितने बच्चे यहाँ पर सैम की कैटेगरी में है और कितने बच्चे यहाँ पर नवजात शिशु में है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी यहाँ पर एक बच्चे का जो एंट्री है हम लोग इस महीने किए हैं, तो वो आप लोगों को जो संख्या है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो सैम में बच्चे हैं उनको हाइट और वेट माप के यहाँ पे उसकी एंट्री भी कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों ने इस महीने का जो स्टॉक है उसको मेंटेन नहीं किया है तो स्टॉक भी आप लोगों को मेंटेन कर लेनी है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे कितना स्टॉक मिला है, कितना वितरित हुआ है, वो सभी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके सबमिट कर लेनी है। ठीक है, SCM और THR का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। THR और SCM का जो भी स्टॉक है आप लोगों को अपडेट कर लेनी है इस महीने वाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आधार वेरीफाई वगैरह का बाकी है तो उसका भी आप लोगों को अपडेट कर लेनी है, आधार वेरीफाई कर लेनी है, यानी कि ये सभी कार्य आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में 31 मई से पहले ज़रूर कर लेनी है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका भवनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।